हर साल हम लोग अपने लाइफ में 0.3 इयर्स ऐड कर पाते हैं, पर सोचो हम पूरा एक साल अगर हर साल ऐड कर पाते हैं हमारे लाइफ में, तो शायद हम कभी भी नहीं मरते, और थियोरेटिकली हम ये कर सकते हैं। सोचो एक बहुत ही लंबा रास्ता है आपके फ्यूचर की तरफ, और वहाँ पर एक साइन बोर्ड में वो एज लिखा हुआ है जिस एज में आप मरने वाले हो, और हर साल आप उस साइन की तरफ बढ़ रहे हो, और जैसे ही आप उस साइन में पहुंचोगे आपकी डेथ हो जाएगी। अभी सोचो एक खरगोश वो साइन बोर्ड को पकड़ के और भी आगे जा रहा है आपके फ्यूचर की तरफ, और हर साल आप जितना आगे बढ़ रहे हो वो खरगोश आपसे आधा साल और भी आगे है, और कुछ सालों में आप खरगोश तक पहुंच जाओगे और आपकी डेथ हो जाएगी। पर सोचो हर साल अगर वो खरगोश आपसे एक साल आगे भाग रहा है, तो आप शायद कभी भी उस तक पहुँच नहीं पाओगे, और जिसकी वजह से आप कभी मरोगे भी नहीं। जिस स्पीड में ये खरगोश फ्यूचर की तरफ भाग रहा है वो रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, और जितना ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी हम उतना ही ज़्यादा हमारे माइंड एंड बॉडी के बारे में जान पाएंगे, और हम लोग हमारे एजिंग वेलोसिटी से निकल पाएंगे एंड इमोर्टल हो जाएंगे। बहुत सारे रिसर्चर्स जैसे कि रे कुर्जवाल और आबरी डिग्रे का मानना है हम ये एजिंग वेलोसिटी अगले 10-20 सालों में अचीव कर सकते हैं, पर बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है इंसान कभी भी इमोर्टल नहीं बन सकता जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, क्योंकि हमारे बॉडी में नए सेल्स तैयार होना बंद हो जाते हैं 120 साल उम्र के बाद। पर अगर आप अच्छे से सोचो तो ये भी बहुत ज़्यादा उम्र होता है। जापनीज एक कहावत है मीन साना इन कॉर्पोर सानो, जिसका मतलब है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड है। एक एक्टिव माइंड हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाती है जो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। जैसे एक्सरसाइज ना करने से हमारे शरीर में खराब असर पड़ता है, हम वीक एंड लेजी महसूस करते हैं, मूड अच्छा नहीं रहता, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज के बिना हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स की पावर भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने आसपास होने वाले चीज़ों में ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाते। इसराइल के न्यूरोसाइंटिस्ट स्लोमो ब्रेजनित ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, ज़्यादातर ओल्ड पीपल्स वही काम करना पसंद करते हैं जो वो बार बार करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप एक ही काम बार बार करते हो तब आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और वो काम खुद से ही करने लगता है, जिसकी वजह से आप एक रूटीन में फंस जाते हो और ब्रेन की ग्रोथ भी रुक जाती है, जो इवेंचुअली आपके ब्रेन न्यूरॉन्स की पावर भी कम कर देता है। इसलिए हर दिन नए इन्फॉर्मेशन न्यू लर्निंग्स अपने ब्रेन में ऐड करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करके नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, उनसे बातें करो, और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग स्ट्रैटेजीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए एक लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ जीने के लिए। आपने ज़रूर अपने आसपास ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो अपने उम्र से ज़्यादा ओल्ड दिखते हैं। बहुत सारे स्टडीज से यही निकल के आया है इसका मेन कारण है हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। प्रीमैच्योर एजिंग में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ है, ऑल्सो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी जड़ है ये स्ट्रेस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने एक बार एक स्टडी किया था कुछ ओमेंस के ऊपर जिनमें हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस देखा गया था उनके बच्चों के तबीयत खराब के लिए, और उन ओमेंस को कंपेयर किया था उन सब नॉर्मल ओमेंस से जिनके बच्चे एकदम हेल्दी एंड हैप्पी है। तब उन्हें देखने को मिला था इन ओमेंस की बॉडी सेल्स में सेलुलर एजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जो इनके सेल स्ट्रक्चर को भी कमज़ोर कर दे रही है, जिसे टेलीमोरीज भी बोला जाता है, और जिसकी वजह से वो उम्र से ज़्यादा ओल्ड दिखते हैं। एक्चुअली कोई भी मुश्किल सिचुएशन में हमारे ब्रेन में एक अलार्म बज उठता है, बहुत लोग बोलते हैं ना खतरों की घंटी, वो जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव कर देता है, और वो उसके बाद कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को पूरे शरीर में पहुंचा देता है हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू, फिर एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन और कोर्टिसोल रिलीज होता है। एड्रेनालिन हमारे रेस्पिरेटरी और पल्स रेट को बढ़ा देता है और मसल्स को प्रिपेयर करता है डेंजरस सिचुएशन को फेस करने के लिए। तब कोर्टिसोल डोपामिन और खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है, जो हमें पूरी तरह चार्ज्ड अप कर देता है चैलेंजेस का सामना करने के लिए, और ये सब कुछ एक पल में हो जाता है।
आजकल हम सब लोग ही एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं और यह चारों तरफ से रेस लगी पड़ी है, कौन किससे आगे जाएगा, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा, कौन ज़्यादा पैसे कमाएगा। और इन सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में स्ट्रेस बहुत ही आम चीज़ है। पर स्ट्रेस कोई ख़राब चीज़ नहीं है और थियोरेटिकली अगर आप देखो तो ये बहुत ही काम की है। हमारे पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन में बंदर से इंसान बनने के पूरे लॉन्ग पीरियड में स्ट्रेस ने बार बार हमारी हेल्प की है, चाहे वो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो या कोई बड़े जानवर के साथ सामना। पुराने ज़माने के इंसान जो केव में रहते थे और आज के मॉडर्न इंसान यानी कि हम में स्ट्रेस का बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। पुराने ज़माने के लोगों में स्ट्रेस सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइम में ही बहुत हाई होता था, जब वो कोई एक्चुअल डेंजरस सिचुएशन फेस करते थे, और बाकी समय वो रिलैक्स ही रहते थे। पर हम मॉडर्न इंसान में स्ट्रेस थोड़ा बहुत हमेशा ही लगा रहता है, हमारे डेली बिजी वर्क शेड्यूल के लिए और कुछ बिना काम के फ़ोन नोटिफिकेशन के लिए, जो सच में हमारे एक्चुअल लाइफ में उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इसलिए ये बात तो समझ लो, कुछ सिचुएशन में स्ट्रेस होना अच्छी बात है जो हमारे बॉडी को हेल्दी एंड बैलेंस रखता है। पर बिना काम के स्ट्रेस करने से हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटी और हाई ब्लड प्रेशर का मेन कारण है। इसलिए हमें अपने हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए हमारे शरीर की प्रीमैच्योर एजिंग रोकने के लिए। पर अभी क्वेश्चन आता है, स्ट्रेस रिड्यूस करें तो करें कैसे? बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना रिकमेंड करते हैं, मतलब कि खुद के ओन सेल्फ में फोकस करना, जिसकी मदद से हम अपने थॉट्स एंड रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर पाएंगे। हम सभी लोग ही कभी ना कभी खाना खाते हुए टीवी या फ़ोन ज़रूर देखते हैं, इसलिए उसके बाद अगर हमारी मम्मी या किसी और ने पूछा कि बेटा खाना कैसा था, तो हम ठीक से बोल नहीं पाते, क्योंकि हम उस मोमेंट में उस जगह में प्रेजेंट नहीं रहते। और ये भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है, हम एक काम करते हुए किसी और एक काम के बारे में सोचते हैं या वो काम भी एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और इसलिए हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, जो आपके थॉट्स को प्यूरिफाई कर देगा और आपको किसी एक चीज़ में फोकस करना सिखाएगा। इसके साथ साथ आप काफ़ी तरीके के ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा भी कर सकते हो। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में सिजेंटरी बिहेवियर, मतलब कि एक जगह बहुत समय तक बैठे रहने की हैबिट बढ़ने के लिए बहुत प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि हाइपरटेंशन और ओवरवेट देखने को मिल रहा है। अपने वर्कप्लेस या घर में बहुत ज़्यादा समय बैठे रहना सिर्फ आपके मस्कुलर और रेस्पिरेटरी फिटनेस को ही नहीं घटाता, बल्कि अननेसेसरीली आपकी भूख भी बढ़ा देता है और आपका कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की इच्छा को भी ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से बहुत तरीके के कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आपके शरीर में हो सकते हैं, जो आपके लॉन्गेविटी में भी बैड इफेक्ट डालता है। पर आप आसानी से बहुत ज़्यादा बैठे रहना या सिडेंटरी बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, बस अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करके, और एक एक्टिव लाइफस्टाइल पा सकते हो जो आपको अंदर और बाहर दोनों से ही बेटर फील कराएगा। इसके लिए नंबर वन, हर दिन सिर्फ एटलीस्ट 20 मिनट वॉक करो। नंबर टू, पैदल चलने की हैबिट लाओ और ज़्यादा से ज़्यादा एलिवेटर या लिफ्ट अवॉइड करने की कोशिश करो, ये आपके बॉडी पॉस्चर, मसल्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। नंबर थ्री, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, ताकि आप ज़्यादा टाइम ना स्पेंड कर सको सिर्फ टीवी देख के। नंबर फोर, अपने जंक फूड को रिप्लेस करो हेल्दी फ्रूट्स से। और नंबर फाइव, एक अच्छी नींद लो। 7 से 9 घंटे की नींद सबसे अच्छी मानी जाती है, पर इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, आप इसका फ्री ईबुक नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और आप ये बुक मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू खरीद भी सकते हो। तो ये था इकिगाई बुक का लेसन 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और ये कंटेंट अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से करें। हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक दूसरे केस स्टडी के साथ, तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे। जय हिंद।